पर अमित शाह के संवाद कार्यक्रम में। इस प्रकार का मित्रों, हम यहां पर विकास की बात लेकर आए, हम यहां पर कानून और व्यवस्था की बात लेकर आए, हम यहां पर संस्कृति के सम्मान की बात लेकर आए और यहां पर गरीब कल्याण की बात लेकर आए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति थी जब सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा ये बुआ भतीजा की सरकारें जब चलती थी, तब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का राज था, था या नहीं था? जोर से बोलो भाई, ऐसे नहीं, था या नहीं था? कहीं इमरान मसूद बैठे थे, कहीं आजम खान बैठे थे, कहां आतिक मोहम्मद बैठे थे, कहीं और कोई बैठा था, और सारी जनता सहमी हुई दिखाई पड़ती थी। आज आपने 2/3 बहुमत दिया योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, पलायन कराने वाले माफिया आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। माफिया तीन ही जगह पे है, तीन ही जगह पे है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। तीन ही जगह पे माफिया है, जेल में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो अखिलेश जी की प्रत्याशी की सूची में है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिया है, इसका परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो गया है। मित्रों, इस प्रदेश के अंदर मैं कुछ समय के पहले आया था साकंभरी यूनिवर्सिटी की नींव रखने के लिए, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि मां साकंभरी के नाम से नींव रखने का कार्यक्रम हुआ है और यहां बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। मगर देखना भैया, यूनिवर्सिटी बने और बाद में भी नाम साकंभरी रहे, इसके लिए कमल फूल की सरकार बहुत जरूरी है। एक बार यहां श्री कांसीराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया था, बनाया था नहीं बनाया था? नाम क्या है उसका? नाम क्या है उसका? है कांसीराम का नाम? तो साकंभरी जी का भी मैंने शिलान्यास किया है, आप इसका ध्यान रखना, कहीं इसका भी नाम कोई बदल न जाए। बदलने दोगे क्या? बदलने दोगे क्या? मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम किए। यहां पर 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। 51 नए सरकारी महाविद्यालय खुले और 79 नए विद्यालय महाविद्यालयों का भवन खोलने का, 79 नई कॉलेजों का मकान बनाने का काम किया, उसका एक्सपांशन करने का काम किया। 12 कॉलेज थे, कितने साल में 12 कॉलेज बने थे बताओ भाई? 70 गोविंद वल्लभ पंत से लेकर अखिलेश बाबू तक 12 कॉलेज बने थे। जोर से बोलो, कितने मेडिकल कॉलेज थे? और जोर से बोलो, कितने थे? आज हमने 5 साल में 12 से बढ़ाकर 40 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश बाबू, हमारा हिसाब मांगते हो? कल एक प्रेस वार्ता कर कहो कि आपके सपा बसपा का जो 20 साल रहा उसमें कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले? कुछ नहीं कर पाए आप। ये तो गोविंद वल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी जो छोड़कर गए थे उसको आप चला दे रहे, आपने क्या करा? उत्तर प्रदेश की आबादी 7 करोड़ से 22 करोड़ पहुंची, कितने नए विश्वविद्यालय बनाए, कितनी नई कॉलेजें खोली हैं, कितनी कॉलेजों का विस्तार किया है, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने नर्सिंग कॉलेज खुले, एक बार हिसाब लेकर आ जाओ। कल ही मेरे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को आपको हिसाब समझाने के लिए जो भी मन तय करो वहां भेजने के लिए तैयार हूं। विकास का काम आप नहीं कर सकते अखिलेश जी, विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मित्रों, आज 40 मेडिकल कॉलेज बने हैं या तो बनने की प्रक्रिया में है। 1900 मेडिकल सीटें थी,
70 साल में 1900 थी, हमने 4200 तक ले जाने का काम 5 ही साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, 26 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, इस सरकार मानती है कि इस प्रदेश के युवा को अगर हम मौके देते हैं तो उत्तर प्रदेश के युवा जितना तेजस्वी युवा कहीं और नहीं है, उसको मौके की जरूरत है और मौका नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं, और हमने कर दिखा है। चुनाव में तो मैं वादा करने आया था, इस बार मैं आपके पास हिसाब लेकर आया हूं कि देखिए हमने ये कर दिया था। गत चुनाव में मैं आपको वोट की विनंती करने आया हूं, वोट की विनंती तो आज भी करता हूं, मगर अधिकार भी है, मैं कहता हूं आपके वोट पर मेरी पार्टी का अधिकार भी है, मित्रों अधिकार भी, क्योंकि हरेक वो वादा जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किया था, वो 95% से ज्यादा वादे हम पूरे कर चुनाव में आए हैं। अखिलेश बाबू, एक टेलीविजन इंटरव्यू में आप दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, मुख पत्र ही दिखा रहे थे, उस पर तो मोदी जी की अकेले की फोटो है, इसमें क्या दिखाना है? हर भारत के 130 करोड़ के हृदय में मोदी जी रहते, आप क्या दिखा रहे हो? जरा तनिक वो घोषणा पत्र को खोल कर देख लो और एक एक वादा पेन लेकर टिक करते जाओ, 95% वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए थे। हमने कहा था कि यहां गुंडा माफिया नहीं होंगे, कानून और व्यवस्था ठीक होगी, यहां कल कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा और उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगारी मिलेगी। मित्रों, मैं बताने आया हूं उत्तर प्रदेश की जनता को और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को, जिस प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं होती है वहां कभी उद्योग इंडस्ट्री बिजनेस नहीं लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। आप मुझे बताओ भाई, सपा सुरक्षा दे सकती है क्या? जोर से बोलो, दे सकती है क्या? बसपा सुरक्षा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती सुरक्षा। अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही। अब कल मैं परसों में भाषण सुन रहा था उनका, पब्लिक में तो जाते नहीं, प्रेस के सामने भाषण करते हैं। मैंने पूछा कि भाई मीडिया विभाग को कि क्या बोले आज, तो उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अरे अखिलेश बाबू, इतना झूठ इतने जोर से बोलते हो, लज्जा नहीं आती आपको? झूठ कोई बोलता है तो कान में बोलेगा, माइक में बोलेगा, झूठ बोलते हो, जोर से बोलते हो, शर्माते भी नहीं हो, किस प्रकार के व्यक्ति हो? मैं आपको हिसाब देता हूं 5 साल का, आप 5 साल तो शासन कर गए, उससे डकैती में 70% की कटौती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करी है, 70%। लूट के अंदर 69.3% की कटौती हमारी भाजपा सरकार ने की है, हत्या में 30% की करी है, अपहरण में 35% से ज्यादा कटौती करी है और बलात्कार के अंदर भी बहुत बड़ी कटौती करी है। मित्रों, और सबसे बड़ी बात, 2000 करोड़ की भूमि इनके भू माफिया कब्जाए थे, बुलडोजर चलाकर उसको खाली कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की। और क्या बन रहा है वहां पर? कहीं गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं कॉलेज बन रही है, कभी इंडस्ट्री लाने के लिए सरकार के भवन बन रहे हैं। आपने ये सारी चीजें आपके चट्टे बट्टों को दे दी थी, 2000 करोड़ की यूपी की संपत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाली कराई है, योगी आदित्यनाथ ने खाली कराई। मित्रों, इन्होंने अभी यहां आकर बोले, कल मुजफ्फर नगर आए थे, बहुत सारी बातें करी, मैंने सुना भी, संयोग से मैं भी बैठा था टीवी के सामने, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, बाद में टीवी पर पंचलाइनें चल रही थी, पूरे भाषण के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र ही नहीं किया। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भी? किसके समय में दंगे हुए थे? जोर से बोलो, किसके समय में दंगे हुए थे? और दंगों के अंदर सरकार की भूमिका क्या थी? दंगे कराने वाले
उसको विक्टिम बना दिया और जो दंगों के विक्टिम थे उनको आरोपी बनाकर जेल में डालने का काम किया। हजारों गलत प्रकार के मुकदमे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं पर कर दिए थे। क्यों? क्योंकि आप तुष्टीकरण करना चाहते थे, अपनी वोट बैंक खड़ी करना चाहते थे। भाइयों बहनों माताओं, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकती, हम जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकते, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, इसके अलावे कोई राजनीति। पर दंगों के अंदर जिस प्रकार का भय और आतंक आपने फैलाया था, क्या समझते हैं आप पश्चिमी उत्तर? सब डर जाएंगे आपसे, कोई नहीं डरता अखिलेश बाबू। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, सुन लीजिए, यहां पर इसका जवाब देंगे। और जवाब दिया जनता ने, बैलेट के अंदर दिया, मतदान मथक के अंदर दिया, और तीन बार आपकी साइकिल की हवा निकालने का काम ये उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। मगर वो इसका जिक्र भी नहीं करते। मैं माताओं बहनों भाइयों आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जो सरकार चलाई योगी जी के नेतृत्व में, उसने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम किया है। एक भी बड़ा दंगा हमारे 5 साल में नहीं हुआ है। इस प्रकार का काम हमने किया है। पहले जो सपा का काल था उसमें जनपद में बहुत डेवलपमेंट करते थे, वो बहुत डेवलपमेंट करते थे। डेवलपमेंट का साफल्य क्या था, उसका परिणाम क्या था? हर जनपद में एक बाहुबली मिलता था, हर जनपद में एक मिनी सीएम मिलता था, हर जनपद में एक स्कैम मिलता था और हर जनपद में एक दंगा मिलता था। वो जनपद के विकास की इनकी व्याख्या, एक बाहुबली देना, एक मिनी सीएम देना, एक स्कैम देना और एक दंगा देना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? हर जनपद को एक उत्पाद दिया, हर जनपद को एक बड़ी इंडस्ट्री दी, हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज दिया और हर जनपद को अपनी पहचान लौटाने का काम किया। आज मां शाकंभरी की यूनिवर्सिटी बनेगी, सालों तक शाकंभरी के चरणों में सभी युवा अपनी श्रद्धा। ये परिवर्तन, और ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से शासन करती है उसका ये उदाहरण है। मित्रों भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चली है, राष्ट्रवाद के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चली है, आने वाले दिनों में यूपी ने भी इसी रास्ते पर चलना है। हमने जो कर दिखाया है, एक और आशीर्वाद आप दे दीजिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 बन जाएगा। मित्रों बन कले कल इन्होंने प्रेस वार्ता करी, साथ में मैंने जयंत जी को देखा फोटो में, आज अखबारों में बिठाए थे, सम्मान से बिठाए थे, बहुत अच्छे तरीके से बिठाए थे। मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, बननी नहीं है सरकार तो आपकी, मगर बन गई तो बाद में जयंत भाई होंगे या आजम खान होंगे, वो जरा पहले बता दो मुझे। बताओ भैया कौन होगा, जोर से बोलो कौन होगा। नहीं अतीक अहमद भी आ सकते, मुख्तार अंसारी भी आ सकते हैं और इमरान मसूद भी आ सकते हैं, मगर सरकार ना बननी है ना कोई आएगा। यहां वो ही आएगा जो भारत माता का सम्मान करेगा, वो ही आएगा, इसका बहुत बड़ा विश्वास मुझे है। मित्रों एक बात बताओ, मोदी जी की सरकार बनी उसके पहले जाना चाहिए। और भाइयों बहनों थोड़ा मुझे एक बात बताइए, जो लोग मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी हों और राम भक्तों